हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक ही टैक न्यू चैनल। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने कभी भी पहले नहीं बताया है। चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसके बारे में मैंने पहले नहीं बताया है। दोस्तों हमें से बहुत सारे लोगों ने फोनमास्टर को कभी ना कभी यूज किया होगा, और दोस्तों जिन लोगों ने फोनमास्टर को यूज किया है वो लोग जानते होंगे कि फोनमास्टर में हमें ऐसे कई फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें टेक्नो और इन्फिनिक्स मोबाइल की सेटिंग्स में देखने को नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाटा मैनेजर और ऐप लॉक। दोस्तों हमें से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी इन दोनों फीचर को यूज किया होगा, और जब दोस्तों आप इन फीचर को ऑन करने के लिए अपने टेक्नो मोबाइल फोन मास्टर में गए होंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे एड्स देखने को मिल गए होंगे जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप टेक्नो और इनिविस मोबाइल में से एड्स को कैसे रिमूव कर सकते हो। दोस्तों ना ही इसके लिए आपको अपने मोबाइल को रूट करने की जरूरत है, और ना ही इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को चेंज करना होगा। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी फोनमास्टर में से एड रिमूव करने की कोशिश की होगी, और इसके लिए आप फोनमास्टर की सेटिंग में गए होंगे और वहां पर आपको एड्स ऑफ करने की कोई भी ऑप्शन नहीं मिली होगी। चल दोस्तों अब वीडियो को और ज़्यादा लंबी ना करते हुए अब मैं आपको बताता हूं कि आप टेक्नो और इनफिनिक्स मोबाइल से एड्स को कैसे रिमूव कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको फोनमास्टर को अपडेट करना होगा। दोस्तों मैंने आपको फोनमास्टर का लेटेस्ट वर्जन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से जाकर आप इसे अपडेट कर सकते हो। दोस्तों जब आप फोनमास्टर को अपडेट करने के बाद इसको ओपन करोगे तो उसमें आपको एक भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें से सारी एड्स रिमूव हो जाएंगी। तो उसके बाद दोस्तों आप इसके सारे फीचर यूज़ कर सकते हैं विदाउट ऐड। दोस्तों जब आप फोनमास्टर को डाउनलोड करोगे और उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करने लगोगे तब दोस्तों आपके मोबाइल में ऐप नॉट इंस्टॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको अपने फोनमास्टर का ओल्ड वर्जन को अनइंस्टॉल कर देना होगा, और दोस्तों उसके बाद आप फोनमास्टर का लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद फोनमास्टर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा और आप एड फ्री फोनमास्टर को यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।